If you're focusing on the hydration, you will most likely avoid all kind of vomiting. और अगर सर अगर हम कुछ एंटीबायोटिक ले रहे हैं बाहर से तो क्या वो भी डिफरेंट फूड पॉइजनिंग जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग वो वैरी करेगा या फिर हम एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं नॉर्मल? देखिए नॉर्मली इंडिया में जो प्रैक्टिस है कि हम ओवर द काउंटर ड्रग यूज करते हैं, यूजुअली इट्स नॉट अ राइट हैबिट टू डू सो. कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक मेडिसिंस एज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर, बिकॉज एंटीबायोटिक विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम. देयर इज नॉट अ सिंगल एंटीबायोटिक, एंड इवन usually the kind of antibiotic we give in food poisoning, many people are allergic to them also. So please consult a doctor, find your allergy pattern also, and then only take some medicine. And in most of the cases, usually antibiotics are not required. You can manage it with some supplements, some probiotics, some even simple electrolyte solution. ORS is the best treatment, especially in the kids at beginning. सर जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, पेट में सबसे पहले दर्द होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे हालत खराब होती है, तो काफी बार हम उसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि मतलब ऐसी नॉर्मली तबीयत खराब हो गई है या फिर पेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, तो क्या हम इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए एज सिंपल, अगर आपके सिम्टम्स ट्रांजिएंट हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, एक या दो दिन के हैं, देन यू कैन वेट फॉर इट. अगर आपको लगता है कि सिम्टम बहुत ज़्यादा है, दे आर ट्रबलिंग यू मच, मोर देन 3 to 5 days हो गए हैं, देन गो टू डॉक्टर. यू कैन डू अल्ट्रासाउंड ऑफ योर एब्डोमेन टू फाइंड आउट अदर कॉजेस रादर देन हैविंग फूड पॉइजनिंग, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स कैन बी बिकॉज ऑफ अदर इन्फेक्शन ऑल्सो. इट कैन बी ड्यू टू योर किडनी इन्फेक्शन, इट कैन बी ड्यू टू योर गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, इट कैन बी ड्यू टू योर लीवर इन्फेक्शन, इट कैन बी ड्यू टू एनी गट एबनॉर्मलिटी. So there are multiple causes which can have similar symptoms. But simple rule is, if it is transient, short lasting, it would likely to be food poisoning. If it is having more long lasting impact, more severe complications, more symptoms, then consult a doctor and find the root cause. सर जैसे अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, पता लग गया कि फूड पॉइजनिंग है, तो जो वो एक पीरियड होता है जिसमें हालत बहुत खराब हो जाती है, तो उसमें ऐसी कोई ड्रिंक हम घर पे बना के पी सकते हैं या फिर ऐसा कुछ हम खा सकते हैं जिससे कि हम जल्दी ओवरकम कर पाए? जैसा कि आपने बोला हालत खराब का मतलब है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है, बॉडी में सोडियम की, पोटेशियम की, इलेक्ट्रोलाइट की, सॉल्ट की कमी है. तो सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक चीनी का पानी, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी, ये सब आपको हेल्प करेंगे हाइड्रेट करने में. अलोंग विद हाइड्रेशन, डोंट ऑलवेज टेक सिंपल वाटर, टेक सॉल्टेड वाटर, बिकॉज दैट इज कॉजिंग मोर वीकनेस. सो इफ यू फॉलो, टेक मोर सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बेस्ट आई विल ऑलवेज एडवाइस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. सो दैट्स द बेस्ट रेमेडी टू रिकवर योर वीकनेस and to maintain your hydration. Okay. And sir, अगर long-term effects की बात करें, तो क्या food poisoning के भी कुछ long-term problem हम देख सकते हैं future? Usually no. अगर जब तक food poisoning की वजह से कोई और major problem ना हो जाए, जैसे आपने बताया कि अगर कोई कमी आ गई जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो only complication is usually only when you are not focusing, when you're having severe symptoms. अगर आपके सिम्टम एक या दो दिन में इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं और आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में किडनी या का परफ्यूजन कम होने की वजह से कभी कभी किडनी फेलियर का रिस्क थोड़ा सा होता है, तो अल्टीमेटली डेट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी. तो इफ यू आर फोकसिंग ऑन द हाइड्रेशन, यू विल मोस्ट लाइकली अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सर जाते जाते मैं जानना चाहूंगी और हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम बाहर का ना खाएं, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमको फिर भी बाहर का खाना है तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं? आपने ऑलरेडी बताया कि रॉ फूड नहीं खाना है बिल्कुल भी, जो कच्चा होता है, बट किसी के साथ अगर हमको खाना भी पड़ रहा है या फिर, तो हम कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स कुछ ले सकते हैं? बेसिकली जो भी खाना प्रॉपर बॉइल्ड है, प्रॉपरली हीटेड है, प्रॉपरली कुक्ड है, यूजुअली अगर उसमें इन्फेक्शन होता भी है तो वो किल हो जाता है, वो नहीं रहता है उसमें. तो हमेशा फ्रेश फूड ही लें, हाइजीनिक लें, एंड अनकुक्ड रॉ फूड अवॉइड करें, सैलेड अवॉइड करें, एंड ध्यान रखें आपका वाटर क्वालिटी शुड बी आल्सो वेरी गुड. एंड सर मिथ्स और मिसकंसेप्शन है फूड पॉइजनिंग को लेकर कुछ? नो, यूजुअली देयर इज नो मिथ्स.
ओके सर, सर मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग को लेकर भी बहुत हमारी जो ऑडियंस है उनको अवेयरनेस मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू योर टाइम वंस अगेन. थैंक यू.